نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम जानते हैं कि माशरा लोगों के मिलजुल कर रहने से वजूद में आता है। अगर लोगों के आपस के ताल्लुकात खुशगवार होंगे तो यकीनी तौर पर एक खुशगवार माशरा वजूद में आएगा, मगर शैतान जो इंसान का अजली दुश्मन है वो लोगों के आपस के ताल्लुकात को कभी भी फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता, और खुसूसन इज़्दवाजी जिंदगी की खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती, और वो इन ताल्लुकात में हमेशा दराड़ें डालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। इसलिए हम सबको इस बात की तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि कहीं किसी बदगुमानी का शिकार होकर, किसी नेगेटिविटी का शिकार होकर हम आपस के ताल्लुकात को बिगाड़े नहीं। अच्छा गुमान रखो, इसलिए कि आमाल गुमान की पैदावार होते हैं। अगर जिंदगी की इब्तिदा बदगुमानी से हो तो इंसान के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि जो सोच होती है इंसान की वही अमल होता है इंसान का। पहले सोच होती है फिर अमल होता है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो, उम्दा हो, तो अमल लाजमन अच्छा होगा, और अगर सोच में खलल हो, इंसान शैतान के वसवसों का शिकार हो जाए, तो अमल में कभी इस्लाह नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज शैतान का दरबार लगता है और उसमें वो सब शैतानों से पूछता है, यानी इब्लीस जो है उसका एक दरबार लगता है और सारे भटकाने वाले शैतान उसके पास हाजिरी देके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वो उनसे पूछता है सबसे बड़ा कारनामा किसने किया। एक खड़ा होता है, किसी बहुत बड़े गलती का जिक्र करता है, मैंने फलां से चोरी करवा दी, फलां से जिना करवाया, फलां से ये करवाया। वो कहता कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर एक शैतान आता है और कहता है मैंने शौहर और बीवी में फूट डलवा दी, दोनों के ताल्लुकात बिगाड़ दिए। वो कहता है शाबाश, तुमने सबसे आला काम किया, और वो उसके सर पे ताज पहनाता है कि दुनिया का बदतरीन काम शौहर और बीवी के ताल्लुकात खराब करना। वो कोई भी हो, खा वो सास हो, खा वो कोई और इंसान हो। और होता क्या है, शैतान आता है, वसवसा डालता है। मसलन सास के दिल में वसवसा डालता है, देखो तुम्हारी बहू तो सारा दिन आराम करती रहती है और तुम इस उम्र में भी काम करती रहती हो। देखो ये तो, इसको तो कपड़े पहनने से ही फुर्सत, देखो इसको तो पकाने का ही ढंग नहीं आता, देखो इसको तो कोई तौर तरीका, इसको तो बात करने का ढंग नहीं आता। अब आप खुद सोचें कि एक मेच्योर खातून कहाँ और एक चुलबुली लड़की कहाँ, जिसने अभी जिंदगी की कोई तलखी नहीं देखी, कोई ट्रेनिंग ही हासिल नहीं की, अभी तो पकाना ही नहीं सीखा, अभी तो घर का रख रखाव ही नहीं सीखा। और खास तौर पर हमारे कल्चर में जहां लड़कियों को पढ़ने से होश नहीं आती कि शादियां हो जाती हैं, वहां उन्होंने घरदारियां कहां की होती हैं, तो उनसे वो तवक्को रखना जो कई साल से एक औरत उस घर के निजाम में बेहतरी लाई हुई है। आप देखें कि सास जो है उस घर में कई सालों से, कम अज कम 20-25 सालों से तो होती है। अब एक खातून जो 25 साल से ट्रेंड है उस घर को चलाने में, और एक लड़की जिसको 25 दिन नहीं हुए, उनका मुकाबला कहां से होगा। लेकिन शैतान वसवसे डालता चला जाता है और कुढ़न और जलन और तकलीफ पैदा करता है, लिहाजा वो जलन दिल से फट के जबान पे आती है, इशारों के नायों से बात शुरू होती, फिर तानों पे आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़ों पे आ जाती है, और फिर डायरेक्ट करने की बजाय इनडायरेक्टली बेटे को उकसाया जाता है। इसी तरह वो बीवी के दिल में आके वसवसे डालता है शैतान कि देखो तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कहता है अपनी सास को कंपेयर करो मां के साथ, और शोहर को कंपेयर करो बाप के साथ। और फिर वो कहता है तुम्हारा बाप तो इतना अच्छा था कि एक इशारा ही काफी होता था, और ये देखो रोज वादा करता है और चीज लाके नहीं देता। कभी कोई लड़की शोहर को बाप से कंपेयर ना करे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाप बाप होते हैं, हम उनकी औलाद होते हैं,
जो उनके दिल में हमारा मकाम होता है वो शौहर के लिए नहीं हो सकता, शौहर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिश्ता दूसरा है। और ये भी हो सकता है कि शौहर बाप से भी ज्यादा कहीं केयरिंग हो। लेकिन अमूमन क्या होता है, शौहर की अच्छाइयों को हम एक तरफ रखते हैं, वो नहीं बाप से कंपेयर करेंगे, उसका ख्याल रखना, उसकी मोहब्बत, उसकी उसकी सारी कुर्बानी। अब आप देखें कि हमारे यहाँ लड़की की सिचुएशन को बहुत पैथेटिक बना देते हैं, हर बेचारी घर छोड़ गई, हर बेचारी मेका छोड़ गई, और मालूम नहीं क्या क्या वो राग बनाए हुए हैं कि जिससे खूब खूब लड़कियों को रुलाया जाता है कि तुम तो बहुत ही मजलूम हो जिससे सब कुछ छिन गया। हालांकि ये नहीं देखते कि वो माँ जिसने एक बेटा पैदा किया, वो पाला पोसा बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको कमाने के काबिल बनाया, फिर उसने घर बनाया, एक बाहर से आने वाली को वो सब कुछ दे दिया। तो जिस माँ ने अपना बेटा दे दिया, उससे इससे बड़ी और क्या कुर्बानी मांगी जाएगी। लिहाजा कभी भी एक बहू को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सास ने मुझे वो नहीं दिया, ये नहीं पूछा, वो ख्याल नहीं रखा। इससे, इन वसवसों से ताल्लुकात खराब होते हैं, इससे बिगाड़ आता है, इससे ताल्लुकात की कभी इस्लाह नहीं हो सकती। ताल्लुकात खराब करने वाले सारे वसवसे दरअसल शैतान की पैदावार होते हैं, और हम कभी भी उनके बारे में मुतनब्बे नहीं होते। ईमान वालों की सिफत बताई गई, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू व इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब उन्हें शैतान का कोई वसवसा छू जाता है तो यकायक होश में आ जाते और वो देखने लगते, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अमूमन जब हमारे अंदर तक्वा नहीं होता, हम शैतान के वसवसे को पहचान ही नहीं सकते, उस गुमान को यकीन बनाते हैं, और यकीन बनाकर पूरे कॉन्फिडेंस से उस गलत बात को फैलाना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि वो हर जबान पे आम हो जाती है। फिर वो सारे हमें एक गवाही मयसर करते हैं और हम अपने आप को एक गलत तरीके पर डाल लेते हैं, और इस तरह बसा औकात जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाती है। तो याद रखें कि ये सबसे बड़ी इबलीसी कोशिश है, शौहर और बीवी के ताल्लुकात को खराब करना, खा वो कोई और औरत हो जो किसी औरत दूसरी का घर खराब कर रही हो। बसा औकात सास और बहू की बहुत अच्छी बन रही है, शौहर और बीवी की बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन एक और औरत शौहर और बीवी के दरमियान टपक पड़ी है, जो आमतौर पर हमारे माशरे में हो रहा है, और ये जुल्म भी औरत औरत पे ढा रही है, जो घरों को बर्बाद कर रही है। शौहर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, बाप अपने बच्चों को भुला के एक और औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी सारी जिम्मेदारियों से गाफिल है। ये चीज भी बच्चों और बीवी का मुस्तकबिल तबाह करके रख देती है। लिहाजा कोई ऐसी कोशिश जो इन दो के ताल्लुक को खराब करे वो एक शैतानी कोशिश है, इसलिए कि जब इन दो का ताल्लुक खराब होता है तो सिर्फ दो अफराद नहीं, दो खानदान मुलव्वस हो जाते हैं, दोनों के वालदैन, बहन भाई, सारा कबीला मुतासिर होता है, इंसान की इबादत, इंसान का अखलाक, मिजाज, हर चीज बिगड़ता है। फिर अगर बच्चे हों तो वो सफर करते हैं, उनकी जिंदगियां जहन्नम बन जाती हैं, उनके अंदर उम्र भर की तलखियां रच बस जाती हैं। लिहाजा ये रिश्ता जितना मजबूत है, जितना खूबसूरत है, उतना ही नाजुक भी है, इसलिए इस मामले में शौहर और बीवी दोनों को अपने अपने फराइज अदा करने चाहिए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन